जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो ब्रूनर के खोज अधिगमन सिद्धांत के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि ब्रूनर एक वैज्ञानिक का नाम है। ये ब्रूनर एक वैज्ञानिक का नाम है और ब्रूनर का खोज जो है अधिगमन सिद्धांत, खोज अधिगमन सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है, इसके बारे में विस्तृत विवेचना करें। शैक्षिक निहितार्थों के साथ करना है, मतलब कि ब्रूनर ने अधिगमन सिद्धांत को जो विस्तृत किया वो शिक्षा के साथ, यानी कि शिक्षा के प्रति किस तरीके से बल दिया, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या आंसर लिखना है, चलिए आंसर को हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर है, ब्रूनर के अधिगमन सिद्धांत प्रमुख रूप से विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि ब्रूनर के अधिगमन सिद्धांत मुख्य रूप से विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि एकदम खुलेआम पढ़ाई करना है, खुलेआम चीज़ों को सीखनी है, अध्ययन करना है, इसके बारे में बताता है। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाई करना है और कार्य करने, उसके साथ साथ खोज करने तथा समस्या समाधान करने संबंधी योग्यताओं और क्षमता के विकास को प्राथमिकता दी है। मतलब कि अगर ब्रूनर का अधिगमन सिद्धांत में बताया गया तो सबसे पहला कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करें, कार्य करें, खोज करने एवं समस्या समाधान करने संबंधी उनके अंदर क्षमता और विकास को प्राथमिक दी है। ब्रूनर के अनुसार मनुष्य उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक है या वास्तविक से काफ़ी नज़दीक है। मतलब ब्रूनर के अनुसार अगर बात माना जाए तो उनका कहना है कि अधिक से अधिक सीखने का प्रयास बच्चे करते हैं या तो भले वास्तविक है यानी कि रियल है, या रियल से बहुत नज़दीक है, वास्तविक से काफ़ी नज़दीक है। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य के तीन स्थिति से गुजरना पड़ता है। अब ब्रूनर ने बताया कि अब कोई भी बच्चा वास्तविकता उसके अंदर कितनी है, तो वास्तविकता को पहचानने के लिए उसके लिए कितने स्थिति हैं, तो उसके लिए तीन स्थिति है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो पहला का नाम है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा का नाम है प्रतिबिंबात्मक और तीसरा का नाम है संकेतिक अवस्था। तो याद रखें कि वास्तविकता को पहचानने के लिए ब्रूनर ने तीन स्थिति बताई है। पहला का नाम है क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक और सांकेतिक अवस्था। अब जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ब्रूनर का खोज अधिगमन सिद्धांत बताना है लेकिन शैक्षिक नितार्थों के साथ बताना है, मतलब शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा में योगदान, शिक्षा के बारे में क्या बताया ब्रूनर ने, ये बताना है। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, यानी कि ब्रूनर का जो सिद्धांत दिया गया उसमें शिक्षा में किस तरह से योगदान है। तो यहाँ लिखा है, इस सिद्धांत का शिक्षा में योगदान निम्नलिखित है, यानी कि ये सिद्धांत में शिक्षा का जो योगदान मिला वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से है, ब्रूनर के अनुसार अधिगमकर्ता के सामने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए कि अधिगमकर्ता को अपने आप पूर्ण रूप से क्रिया करने हेतु प्रेरित हो सके। मतलब कि ब्रूनर ने बताया कि अधिगमकर्ता यानी कि जो विद्यार्थी है उसको ऐसा ना परिस्थिति में ढाल दिया जाए कि उसको अपने कार्य को करने के लिए, अपने किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर खुद डेवलप की एक गुण आनी चाहिए कि हमको एक वक्स मिला है। देखते हैं बहुत सारे बच्चे में एक गुण होता है, उसको वक्स मिलता है स्कूल से तो फटाफट उसकी एक अंदर की क्रिया होती है कि इसको हम लोग हमको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से दूसरा जो योगदान बताया है ब्रूनर
वो ये कि ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया के समझने पर बल देना। यानी कि दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त होने, हम ये समझेंगे कि ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, तो ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन इसके अपेक्षा ये ज़्यादा जरूरी है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। यानी कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। मतलब कि एक विद्यार्थी को ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो एक शिक्षक को, इस शिक्षक के साथ एक शिष्टाचार की भावना होनी चाहिए, उनको हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब सारे उसके अंदर गुण होनी चाहिए। बालकों में यह भावना की जागृत की जानी की चाहिए कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। यानी कि बालकों में, बच्चों में एक ऐसी ना भावना को जगाना चाहिए कि उनको लगने लगेगा कि ज्ञान एक प्रक्रिया है। यानी कि ज्ञान दर प्रति दर आपके एज के अनुसार सोचने समझने के दौरान आपका बढ़ते रहेगा, ये परिणाम नहीं है, यानी कि एक तरह का प्रक्रिया है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात कि खोजपूर्ण अधिगमन पर विशेष बल, इसका अर्थ विद्यार्थियों को कुछ बताने या अधिगम करने की अपेक्षा, यानी कि खोजपूर्ण जो भी चीज़ें नई नई खोजी जाती है उस पर विशेष बल देना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी को कुछ बताने या अधिगमन कराने के अपेक्षा, यानी कि किसी विद्यार्थी को बताने से अच्छा है कि उसको उन्हें प्रैक्टिकल करवा दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। खोजपूर्ण अधिगमन में छात्र स्वयं करके सीखते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल का नाम देते हैं। नहीं, जो बड़े बड़े स्कूलों में लेबोरेटरी होते हैं, प्रयोगशाला होते हैं। तो याद रखिए, ये तीसरा इम्पोर्टेंट बताया गया कि खोज जो हुआ है, जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, तो उस खोज को बताने के अपेक्षा आप बच्चों को क्या कीजिए कि खोज जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो प्रैक्टिकल आप बच्चों से करवाइए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर ज्ञान संरचना का निर्माण जो है अवसर प्रदान करते हैं या होता है, यानी कि उनके अंदर एक ज्ञान का एक अच्छा से विकास हो पाता है, वो अच्छे से सीख पाते हैं। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षकों के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रुचिपूर्ण बनाने हेतु निम्नलिखित चार अपेक्षाएं रखी है। यानी कि ब्रूनर का एक संज्ञानात्मक विकास के लिए भी सिद्धांत है। इस संज्ञानात्मक विकास, ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इस विकास में ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया है वो शिक्षकों के लिए दिया है, टीचरों के लिए दिया है। इनके ऊपर ये उन्होंने बोला है कि अगर शिक्षकों के अंदर ये गुण होना चाहिए कि आखिर कोई भी बच्चा प्रभावशाली हो या उसको रुचि, उसके अंदर रुचि जगाना है, पढ़ने के लिए ललायत करना है, तो उसके लिए चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चार अपेक्षाएँ क्या है? पहला क्या, अधिगमन के लिए विद्यार्थी को तैयार रहना, यानी कि आप अपने मंजिल को छूने के लिए बच्चों को इसके लिए तैयार रखना होगा। दूसरा, ज्ञान को व्यवस्थित करना। अब मान लीजिए कि एक टीचर है जो ज्ञान ही नहीं दे रहा है, क्लास ही नहीं ले पा रहा, तो उससे कहाँ होगा, बच्चा के अंदर बुद्धि नहीं आएगा। तीसरा, विषय का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। मतलब क्या कि चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, उस विषय का क्रमबद्ध, यानी कि बहुत डिटेल्स में बारीकी से समझाया जाना। जैसे बच्चा अगर नहीं सीखता है, जैसे 2 + 3 कितना हुआ, तो देखते हैं टीचर कैसे बताते हैं। 2 और 3 को जोड़ना है तो पहले 2 गो लाइन खींचिए, फिर 3 है तो फिर 3 गो लाइन खींचिए, और सबको गिनिए कि कै गो लाइन हुआ, तो 5 गो, तो आंसर बच्चा 5 करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रस्तुतिकरण, मैंने डिटेल्स में उसको समझाना, तब तक समझाना जब तक कि वो बच्चा सीख नहीं जाता है। और चौथा है उचित पुनर्वरण प्रदान करना, यानी कि उसको समय समय पर मोटिवेट करना, समय समय पर उस पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें बताना, क्योंकि वो पढ़ाई की बातों को सुनकर उसके अंदर एक आगे बढ़ने की शक्ति, कि हम भी, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को ये बताया जाए कि देखो आगे बढ़ोगे तो इस नौकरी, ये नौकरी मिलेगा, इसमें ऐसे ऐसे होता है, तो बच्चे जो है उसको काफ़ी अंदर से उसको एक लगता है। नहीं, बच्चों को बताई बताया जाए कभी कभी कि देखो डॉक्टर बनोगे ऐसे होगा, इंजीनियर बनोगे ऐसे होगा, पायलट उड़ाने वाला ऐसे होता है, तो बच्चों के अंदर सब कैसे बनता है, उनका क्या काम है, तो बच्चों के अंदर ये
उचित पुनर्वर्णन आता है, मतलब कि कुछ अंदर से सुनकर उन बातों को एक अच्छा से अच्छा एक अंदर का बल जागृत होता है। फिर आगे लिखा है कि ब्रूनर के अनुसार, यानी कि जो वैज्ञानिक है जिनके बारे में हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, बच्चे अपने समझ का सामाजिक निर्माण करते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जितनी भी समझ होती है वो भी एक तरह का सामाजिक का निर्माण ही होता है, वो भी समाज का निर्माण करते हैं, परिवेश और संदर्भ का गहरा प्रभाव होता है। बिल्कुल सही। अब जो बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वहीं का भाषा सीखेगा, वहीं का रहन सहन का तौर तरीका, खान पान सब निर्भर करता है। तो कहते हैं ना कि जो जिस बच्चा जिस एरिया में रखा रहा है, जिस जहाँ पे वो रहा है, वहीं का वो भावना, जैसे जो बच्चा दिल्ली में रह रहा है तब उस अपने बात करने का ढंग अलग होगा, जो बच्चा एकदम गांव कस्बे का रहने वाला है उसका खेल खेलने का तरीका, बातें करने का तरीका अलग मिल जाती है। इसलिए परिवेश और संदर्भ का गहरा प्रभाव होता है। बिल्कुल, जो बच्चा जहाँ रहेगा उसका अलग तरह का प्रभाव दिखेगा। अगर बच्चों को उनके मानसिक स्तर और सार्थकता स्थापित करते हुए बताया जाए तो वे जटिल बातें भी समझ सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा को मानसिक स्तर, यानी कि जिस तरह का बच्चा सीखने वाला है वो क्या सीख सकता है, उसका किस तरह से बच्चा, बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं, कोई बच्चा देर से समझ पाता है। तब मानसिक स्तर को अगर समझ लेंगे हम लोग, या फिर उनके सार्थकता स्थापित करते हुए बताया जाए, तो उनको जटिल बातें भी समझ में आ जाएंगी, और ऐसा करने से हर बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा और बहुत आगे तक जाएगा। और सभी बच्चे अगर इन प्रक्रिया को अपनाएंगे तो अपने कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का ब्रूनर का अधिगमन सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और हर बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त, फिर से हम मिलेंगे नए वीडियोज में, नए क्लास में, एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।